अगर आपने सिलाई मशीन का जो एक्सीलेटर है उसको खोल दिया है और आपको उसकी वायरिंग करनी नहीं आती, तो यहाँ पे आप इसमें लाइव देख सकते हैं कि आपको उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक मोटर है और यहाँ पे एक्सीलेटर है जिसको मैंने यहाँ पे खोल दिया है। अब यदि आपको उसकी वायरिंग करनी नहीं आती तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आपके पास जो मेन पिन है उसके अंदर दो वायर होते हैं, एक तो होता है लाल और एक काला, तो लाल को लाल से और काले को काले से इस प्रकार से आपको मिलाना होता है, और जो ग्रीन होता है वो अर्थिंग होता है जो कि हमें साइड में लगाना होता है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि एक जो वायर होता है जो कि इसके अंदर जाता है, तो उसके अंदर टोटल तीन वायर होते हैं जो कि आपको कलर वाइज सेट करने होते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार से इसकी वायरिंग अंदर होती है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसके जो स्क्रू है वो खोल देते हैं, और खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो कलर है वो किस प्रकार से सेट किए हुए, आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सिलाई मशीन का जो एक्सीलेटर है उसकी वायरिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।